दोस्तों आपने बहुत तरीके से अंडा करी बनाई होंगी, लेकिन आप एक बारी सफ़ेद तिल वाले अंडा करी बना कर देखना, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अगर आप इस तरीके से बना लिए तो आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कम समय लगता है और कम मसाले लगते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए हमने तिल को अच्छे से भून लिया है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। तो देखिए अब हम इसे मिक्सी के जार में हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है हमें। तो देखिए हमने इसे बना लिया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इधर हम गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और गर्म होने पर इसमें हमने 2 चम्मच और सरसों का ऑयल डाला है और डाल देंगे अंडे को तलने के लिए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है। तो ये देखिए हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, अगर आपको तेल कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। अब काली मिर्च डालेंगे और प्याज को डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए इसे हमने इस तरह से भून लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि सारे तेल छिटके ना हमारे ऊपर। अब इसमें हम पेस्ट डाल देंगे टमाटर का और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर से भुनने के बाद इसमें हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। अब ये भुन चुका है, इसमें हम डालेंगे और पिसा हुआ तिल। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है ताकि ये मसाले जले ना। ढक ढक के इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है ताकि मसाले तले में लगे ना। तो देखिए अच्छे से भून चुका है, इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें समय आ गया पानी डालने का। तो देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से देख लेना फ्रेंड्स, आपको अगर पतला रखना हो तो और आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम थोड़े देर के लिए ढक देंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है, हम सभी अंडे को उसके अंदर डाल देते हैं और इसे थोड़े देर के लिए ढक देंगे। तो देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आया है दोस्तों, ये बिल्कुल शाही अंडा करी लग रहा है और टेस्ट में भी ये बिल्कुल ही अमेजिंग है। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से कटी हुई बारीक धनिया पत्ती। इसे बाउल में देखिए हमने सर्व कर दिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताएं। अगर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।